देश के 7 राज्यों में विधान परिषद काम कर रही है, लेकिन इन विधान परिषदों से कुछ राज्य सरकारों को परेशानी होने लगी है। कारण ये है कि विधान परिषद में बहुमत विपक्ष के पास है। ऐसा ही कुछ इन दिनों आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। इसे लेकर सीएम जगन मोहन रेड्डी ने ऐसा फैसला लिया है जिसने विपक्ष को भी हैरान कर दिया है। तो क्या है जगन मोहन रेड्डी का फैसला, इस रिपोर्ट में देखिए। मई 2019 में जब से आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की सरकार बनी है, तब से मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसने विपक्ष के साथ जनता को भी हैरान किया है। हाल ही में सरकार ने एक और फैसला लिया था जिसके मुखालफत के सुर बुलंद होने लगे हैं, और वो फैसला था सूबे में 3 राजधानियां बनाने का, जिसे बहुमत के दम पर जगन मोहन रेड्डी सरकार ने विधानसभा से तो पास करवा लिया, मगर उच्च सदन विधान परिषद में ये मामला अटक गया। विधान परिषद ने राज्य में 3 राजधानियों के प्रावधान वाले 2 अहम विधेयक पारित नहीं हुए, जिसके बाद असहज स्थिति का सामना कर रही जगन मोहन रेड्डी सरकार ने विधान परिषद को ही खत्म करने का मन बना लिया। जी हां, आज रेड्डी सरकार की कैबिनेट ने विधान परिषद को खत्म करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। वाईएसआर कांग्रेस के विधायक गुडीवाड़ा अमरनाथ ने इसकी जानकारी दी। ये फैसला आज सुबह कैबिनेट की बैठक में लिया गया। आपको बता दें कि आज से ही विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमें गंभीरता से सोचना होगा कि क्या हमें ऐसे सदन की जरूरत है जो सिर्फ राजनीतिक मकसद से ही काम करता दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि विधान परिषद होना अनिवार्य नहीं है, जो हमने ही बनाया है और सिर्फ हमारी सुविधा के लिए है। रेड्डी ने ये भी कहा था कि इसीलिए इस विषय पर आगे और चर्चा हो और निर्णय लिया जाए कि विधान परिषद आगे भी रहनी चाहिए या नहीं। ऐसे में आखिरकार अब राज्य सरकार ने विधान परिषद को खत्म करने का फैसला ले लिया है। अब इस फैसले के बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये देखना होगा। मगर सरकार के इस फैसले से सियासी घमासान मचना तय है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।